तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आते हैं अपने चैप्टर एटम एंड न्यूक्लियस के सिलेबस पर, जिसका पहला टॉपिक है हमारे पास अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब आप सोच रहे होंगे ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट होता क्या है, क्यों करवाया गया है। अभी तक आपने इसके पहले आप लोगों ने दोस्तों सिर्फ पढ़ा होगा, लेकिन समझ में काफ़ी कम हद तक आया होगा। लेकिन डोंट वरी, आज ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा और आप भी समझ पाओगे कि आखिर साइंटिस्टों की, वैज्ञानिकों की थीम क्या होती है, वो किस तरीके से सोचते हैं और अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाते हैं। हम लोग ये भी जानेंगे कि इसमें गोल्ड फॉइल को ही क्यों लिया गया, तो इसका उत्तर हम लोग अभी जानते हैं, चलिए समझते हैं। दरअसल दोस्तों, ऐसा हुआ था कि गोल्ड फॉइल लेने के पीछे एक रीज़न था। पहले हम तो ये बात करते हैं कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को करवाया किसने था, तो इसको करवाया था साइंटिस्ट रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड और उनके कुछ स्टूडेंट्स थे, उन लोगों ने मिल करके इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था। अब पहले ही मैं आपको ये बता देता हूँ, इसमें गोल्ड फॉइल लिया गया था। गोल्ड फॉइल यानी कि सोने की पन्नी। गोल्ड फॉइल लेने के पीछे रीज़न क्या था, तो गोल्ड फॉइल लेने के पीछे रीजन ये था दोस्तों, अ थिन गोल्ड फॉइल वॉज टेकन टू एंश्योर दैट अल्फा पार्टिकल वॉज रिफ्लेक्टेड बाई अ सिंगल कॉलिजन। इसको लेने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये था कि इससे केवल हमें ये कन्फर्म हो जाए, इस बात को श्योर करना था कि जब अल्फा पार्टिकल टकराएं तो इनका कॉलिजन यानी टकराव केवल और केवल एक बार हो, यानी एक बार से ज़्यादा कोई भी कण टकराने ना पाए। तो इस वजह से सोने की पन्नी को, यानी कि गोल्ड फॉइल को लिया गया। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो और कोई पार्टिकल क्यों नहीं लिया, और कोई चीज क्यों नहीं ली गई। तो दरअसल ये भी होता है दोस्तों कि गोल्ड फॉइल कैन बी बीटन इनटू अ वेरी थिन फॉइल। गोल्ड जो होता है, गोल्ड एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको क्या किया जा सकता है, बहुत ही छोटी छोटी फॉइल यानी कि पतली सी पन्नी के रूप में भी फैलाया जा सकता है, सबसे 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 पतली लेयर में, यानी वेरी थिनेस्ट लेयर में। तो इस वजह से जब बहुत ही ज़्यादा थिनेस्ट लेयर बन जाएगी दोस्तों, तो इसमें केवल और केवल जब भी अल्फा पार्टिकल होगा तो सिंगल कॉलिजन ही पॉसिबल होगा। जब सिंगल कॉलिजन यानी कि इसमें से कोई दूसरा कॉलिजन हो ही नहीं सकता, मतलब कहने का, अगर मान लीजिए एक कण यहाँ से टकराया तो मान लीजिए कोई दूसरा कण से टकराने का कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा इसके पास। इस वजह से इसमें गोल्ड फॉइल को ही लिया गया। तीसरा रीजन था गोल्ड न्यूक्लियस बीइंग हैवी। गोल्ड का जो न्यूक्लियस होता है, जो उसका नाभिक होता है, बहुत ज्यादा हैवी होता है। गोल्ड न्यूक्लियस का जो नाभिक होता है दोस्तों, गोल्ड न्यूक्लियस को लेने का एक सबसे बड़ा उद्देश्य ये भी था कि जो गोल्ड न्यूक्लियस का नाभिक होता है यानी उसका न्यूक्लियस जो होता है वो बहुत ज्यादा भारी होता है बाकी एलिमेंट्स की तुलना में। तो उसका न्यूक्लियस भारी होने की वजह से वो क्या करता था, प्रोड्यूसेस अ लार्ज डिफ्लेक्शन इन अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल में वो डिफ्लेक्शन ज़्यादा क्रिएट कर सकता था, इस वजह से इसको लिया गया था। तो ये रीज़न था गोल्ड फॉइल लेने का। आप समझते हैं कि रदरफोर्ड ने अपने इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कैसे करवाया था, यानी कि अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर कैसे करवाए थे। चलिए अब हम उसकी स्कैटरिंग के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों, मिस्टर रदरफोर्ड ने सबसे पहले ले ली थी एक गोल्ड फॉइल। क्या ले ली थी? गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल के पीछे मैंने रीजन आपको बता दिया, गोल्ड फॉइल लेने के पीछे रीजन यही था कि ये बहुत ही माइन्यूट पन्नी हो सकती थी और इससे डबल कॉलिजन की संभावना खत्म हो जाती थी, यानी कि केवल सिंगल कॉलिजन हो सके, इसके लिए इन्होंने इसका ध्यान दिया। तो यहाँ पे मान लीजिए इस गोल्ड फॉइल में कुछ पार्टिकल्स इसके ये रख दिए गए थे, ये होगा इसके पार्टिकल्स। अब दोस्तों, इसमें से क्या करवाया इन्होंने, अल्फा पार्टिकल्स को, किनको किनको, अल्फा पार्टिकल्स, अभी मैं ऊपर जितना भी बना रहा हूँ ये सारे अल्फा पार्टिकल्स होंगे, अल्फा पार्टिकल्स को इस पर गिराया। अल्फा पार्टिकल्स की क्या किया इन्होंने, इसमें फाइलिंग करवाई। तो अल्फा पार्टिकल देखा इन्होंने, जैसे कुछ अल्फा पार्टिकल गए और सीधे सीधे इस तरीके से निकल गए, इधर से इन्होंने इसमें इंसिडेंट करवाया, इसमें गिराया, वो तुरंत सीधे निकल गया। कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे सीधे निकल गए, देखते जाइएगा आप ध्यान से, अल्फा पार्टिकल्स इस तरीके से जाते हैं और निकल जाते हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल्स जैसे थे, जिस डायरेक्शन में गए वैसे के वैसे, यानी 180 अंश के कोणों पर ही पूरे पूरे निकल गए, ये बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं हुए, बिल्कुल भी मुड़े नहीं। लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल क्या कर गए दोस्तों, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे टकराए और कुछ हल्का सा डेविएट होकर के हल्का सा दूर चले गए, यानी कि हल्का सा डिफ्लेक्ट हो गए, जो हल्का हल्का टकराए। तो कुछ और दोस्तों
कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे भी थे जो डायरेक्ट टकरा करके बहुत ज्यादा यानी कि 90 डिग्री से भी ज्यादा टकरा गए के डिफ्लेक्ट हो गए। सेम प्रोसेस अन्य पार्टिकल्स के साथ भी हुआ। तो दोस्तों इस प्रकार से इन्होंने इसमें क्या किया, स्कैटरिंग करवाई, और इस स्कैटरिंग से रिजल्ट क्या दिए दोस्तों, मैं आपको पहले नाम दे देता हूँ। ये होता है गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल, अब दोस्तों इनमें से कैसे इनको पता चलेगा कि कौन सा पार्टिकल किधर गया, कौन सा मतलब अल्फा पार्टिकल कितने पार्टिकल्स ज्यादा आगे गए, कितने पार्टिकल्स हल्का सा डिफ्लेक्ट हुए यानी कि बहुत ही माइन्यूट एंगल बनाते हुए, और कितने ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल फॉर्म करते हुए यानी कि बैक डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो ऐसा करने के लिए उन्होंने एक डिवाइस यूज की थी जिसका नाम था स्किनलेटर काउंटर। दोस्तों ये एक ऐसी डिवाइस थी जिसका इस्तेमाल इन्होंने इन अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग को काउंट करने के लिए किया था कि यानी कितने अल्फा पार्टिकल्स आगे जा रहे हैं, कितने पार्टिकल्स हल्का सा डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और कितने ऐसे पार्टिकल्स थे जो 90 डिग्री से ज़्यादा में डिफ्लेक्ट कर रहे थे। तो इनके बारे में काउंट करने के लिए जिस डिवाइस की ज़रूरत थी उस डिवाइस का नाम था स्किंटिलेशन काउंटर। अब इन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवा दिया दोस्तों, तो ये तो था इस गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट। मिस्टर रदरफोर्ड ने अपना अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट तो कंडक्ट करवा लिया, अब वो रिजल्ट कैसे देंगे, उन्होंने समझाया क्या, इस एक्सपेरिमेंट इनका कामयाब हो चुका है। अब इन्होंने समझाने के लिए क्या किया है दोस्तों, तो इन्होंने अब इसको एक अलग फॉर्म में रखा। इन्होंने ये कंसिडर कर लिया कि ये मान लिया दोस्तों कि ये हो गया कोई आटम। क्या मान लिया इन्होंने इसको, मान लिया उन्होंने कि कोई एक ये आटम है और आटम के बिल्कुल बीच के पार्ट में न्यूक्लियस है। अभी इन्होंने तुरंत नहीं बताया कि ये न्यूक्लियस यहाँ पे है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ये तो मैंने चित्र के लिए बना दे रहा हूँ। इन्होंने जब अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट करवाया होगा किसी पर्टिकुलर एक गोल्ड फॉइल के आटम पर, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि ये जो हमारे पास एक आटम था, आटम में इन्होंने क्या किया दोस्तों, रदरफोर्ड ने दोस्तों जब एक आटम को ले लिया और उस आटम के बीच में ये न्यूक्लियस ले लिया, अभी इनको ये जानकारी नहीं है कि ये न्यूक्लियस कैसा है, पॉजिटिव है निगेटिव, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। और जब इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को इस पे फाल करवाया, ये हो गए अल्फा पार्टिकल्स। क्या हो गए ये, अल्फा पार्टिकल्स। दोस्तों होता क्या था, जब इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को इसमें फाल करवाया तो इन्होंने देखा कि मैक्सिमम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गोज स्ट्रेट विदाउट डिफ्लेक्टिंग। क्या कहा इन्होंने, कि इन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे ही सीधे निकले जा रहे थे, और कुछ पार्टिकल्स को इन्होंने कहा कि जो बहुत ही हल्की मात्रा में डिफ्लेक्ट हो जा रहे थे, बहुत ही माइन्यूट से पार्टिकल्स ऐसे थे जो हल्का सा डिफ्लेक्ट हो जा रहे थे, बहुत ही हल्का सा यानी कि बहुत ही माइन्यूट एंगल फॉर्म करते हुए, और वहीं पे कुछ बहुत ही कम, कुछ का मतलब हो गया कई हजार में एक पार्टिकल, समझे, कई हजार पार्टिकल्स में एक पार्टिकल ऐसा भी मिला इनको जो जिस डायरेक्शन में गया उसी डायरेक्शन में वापस भी आ गया, डायरेक्ट जो जिस डायरेक्शन में गया उसे उसी डायरेक्शन में वापस आ गया। समझिए मैं आपको एक बार फिर इसको समझा देता हूँ। इन्होंने क्या किया दोस्तों, एक आटम ले लिया और उस जब गोल्ड फॉइल पर एक्सपेरिमेंट करवाया तो उसका जो कंक्लूजन निकल के आया वो क्या था, आटम लेने के बाद इन्होंने देखा कि अल्फा पार्टिकल, अच्छा दोस्तों ये अल्फा पार्टिकल लिया किस चीज़ का था, ये अल्फा पार्टिकल लिया गया था एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जिसका नाम होता है पोलोनियम। क्या था, पोलोनियम। इन्होंने पोलोनियम का अल्फा पार्टिकल लिया था। इसको लेने के पीछे रीजन क्या था, क्योंकि इसको लेने के पीछे रीजन ये था दोस्तों कि इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ही हाई होती है। इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, हाई, और आपको पता है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी मोशन की वजह से होती है, उसकी मूवमेंट की वजह से होती है, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। चूंकि यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स मूवेबल है,
गतिमान है, चल रहा है, इसलिए इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इसलिए इन्होंने पोलोनियम को ले लिया क्योंकि इसका काइनेटिक एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो इन्होंने काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से अल्फा पार्टिकल्स की फाइलिंग करवा दी, पोलोनियम का लिया था। अब इन्होंने जब फाइलिंग करवाई तो इन्होंने देखा कि कई अल्फा पार्टिकल्स जो थे दोस्तों वो सीधे डायरेक्शन में, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स सेम डायरेक्शन में चले गए। वहीं पर कुछ अल्फा पार्टिकल्स हल्का सा एंगल बनाते हुए, बहुत ही माइन्यूट एंगल बनाते हुए अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो गए, इधर चले गए। और कुछ अल्फा पार्टिकल्स यानी कि ये बहुत ही माइन्यूट, कई हजार में केवल एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो सीधे सीधे यहाँ पे उसी डायरेक्शन में आ गया। ये डायरेक्शन इधर की जाने को बता रही है और ये डायरेक्शन इधर। तो इससे कंक्लूजन क्या निकल के आता है? तो इससे दोस्तों पहला कंक्लूजन निकल करके ये आता है, पहला रिजल्ट सामने आता है कि जो अल्फा पार्टिकल्स सेम डायरेक्शन में चले गए यानी बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं हुए, इसका ये मतलब हुआ कि आटम का मोस्टली पार्ट क्या होता है, वैकेंट होता है, यानी कि खाली होता है। कैसा होता है? वैकेंट पार्ट होता है इसका। क्यों? क्योंकि आप जरा इसको समझने की कोशिश करिए, मान लीजिए आप रास्ते से होकर के कहीं जा रहे हैं, जरा आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, इमेजिन करिए, आप रास्ते से होकर के कहीं जा रहे हैं और जिस रास्ते से आपको जाना है उस रास्ते पे कोई सामान रखा हुआ, कोई गाड़ी खड़ी हुई है, आप जिस रास्ते से होकर के जा रहे हैं उस रास्ते में एक गाड़ी खड़ी हुई है, तो आप क्या करेंगे? अगर गाड़ी खड़ी तो क्या आप जा पाएंगे? बिल्कुल नहीं। हाँ, जब वो गाड़ी आप हटा देंगे या कोई दूसरा इंसान आकर के उस गाड़ी को वहाँ से हटा लेता है, यानी जब रास्ता पूरी तरीके से खाली हो जाता है तभी आप निकल पाओगे ना। इसका ये मतलब हो गया कि जब ये इन्होंने देखा अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, इसका मतलब इनका रास्ता कैसा था? साफ था। रास्ता साफ का क्या मतलब? कि रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं थी, कोई भी बाधा, कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं थी। इसे इन्होंने बता दिया कि जो आटम होता है, आटम का मोस्टली पार्ट वैकेंट होता है यानी कि खाली होता है। सेकंड में आते हैं, मान लीजिए अब आपको जिस रास्ते से जाना है, पहले आप मेरे एग्जांपल को समझने की कोशिश करिए, जिस रास्ते से आपको जाना है उस रास्ते में थोड़ी सी जगह बाकी है, ठीक है, थोड़ी सी जगह बाकी है और आप हल्का सा एडजस्ट करके निकल सकते हैं, गाड़ी वैसे ही खड़ी है बट थोड़ी सी जगह बाकी, आप वहाँ से निकल ना सकते, तो आप क्या करेंगे? वैसे निकल जाएंगे ना, आप वेट तो नहीं करेंगे ना गाड़ी हटाए या तब, तो आप हल्का सा, आप भले ही 180 डिग्री पे जा रहे हैं लेकिन हल्का सा डेविएट होकर के जाएंगे। मतलब समझने की कोशिश करिए, मान लीजिए ये कोई गाड़ी खड़ी हुई है, रास्ता इतना बड़ा हुआ है और आप यहाँ पर हैं, आप कहाँ पर हैं? आप यहाँ पर हैं, आपको निकल के जाना, आप देख रहे हैं सामने गाड़ी है लेकिन आप यहाँ से नहीं जाएंगे, आप जाएंगे पहले कुछ हद तक तो जाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा अपना रास्ते को डेविएट करके इधर से चले जाएंगे। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? आप हल्का सा रास्ते को डाइवर्ट कर देंगे, बदल देंगे। सेम ऐसा यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स कुछ कर रहे हैं कि ये जा तो सीधे रहे लेकिन कुछ दूरी पर आकर के इन्होंने अपने रास्ते को बदल दिया। फिर अभी कंक्लूजन बताता हूँ, तीसरा फैक्ट ये हो सकता है, मान लीजिए अब ये पूरा रास्ता ये गाड़ी जाम कर ले, ये गाड़ी क्या करे, पूरे रास्ते को जाम कर ले, पूरा ब्लॉक कर दे, अब आप क्या करेंगे? अगर बड़ी स्पीड में आप जाते भी हैं तो आपकी कार वापस उसी डायरेक्शन में आ जाएगी, यानी आप जैसे जाएंगे वैसे ही टकरा करके वापस आ जाएंगे, और ऐसा बहुत रेयर होगा, यानी आप जाने की कोशिश ही नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अल्फा पार्टिकल ऐसा नहीं करता, अल्फा पार्टिकल जाता है और देखता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो इसको रोक रही है, तो सीधे उसी डायरेक्शन में वापस आ जाता है, और ऐसा बहुत ही कम पार्टिकल के साथ होता है। कंक्लूजन क्या निकल के आता है, जो पार्टिकल्स सीधे निकल गए उनके लिए रदरफोर्ड ने कह दिया कि आटम का मोस्टली पार्ट खाली होता है, वैकेंट होता है। सेकेंड पार्ट इन्होंने कहा कि जो पार्टिकल्स हल्का सा डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, इसका ये मतलब हुआ, चूंकि अल्फा पार्टिकल, ध्यान दीजिए, चूंकि अल्फा पार्टिकल आप जानते हैं कैसे होते हैं दोस्तों, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ये आपको मालूम है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और पॉजिटिव चार्ज किससे रिपेल होंगे? चार्ज के केस में आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, निगेटिव चार्ज हमेशा निगेटिव को रिपेल करेगा, लेकिन जब अपोजिट चार्ज हो जाएंगे, माइनस प्लस या प्लस माइनस, तो ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे, ये तो आपको जानकारी है। जब अपोजिट चार्जेस होते हैं,
कोई विपरीत आवेश होते हैं तो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जब सेम चार्ज होते हैं तो ये आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। इसका क्या मतलब दिया रदरफोर्ड ने, इन्होंने कहा चूंकि हम अल्फा पार्टिकल की बौछार कर रहे हैं तो अल्फा पार्टिकल को अगर दूर कोई भेजेगा तो अल्फा पार्टिकल ही हो सकता है, समझिएगा। इन्होंने कहा कि अल्फा पार्टिकल को दूर भेजने का काम अगर कोई करेगा तो सिर्फ और सिर्फ अल्फा पार्टिकल, कोई दूसरा नहीं। यानी कि इन्होंने ये कह दिया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज ही होते हैं, दैट मींस कि न्यूक्लियस कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज होता है और ये एक छोटे से भाग में कंसंट्रेटेड होता है। इन्होंने तभी तो कह दिया कि अल्फा पार्टिकल को अल्फा पार्टिकल ही रिपेल करेगा, इस वजह से ये थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो गए। अब थर्ड केस में क्या होता है, इन्होंने कहा कि जब ये पार्टिकल ऐसे गया और टोटल वापस आ गया, टोटल वापस आने में इन्होंने देखा कि जब पूरा का पूरा रिपल 180 डिग्री पे ही रिपल किए दे रहा। मैंने आपको समझाने के लिए इसको थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया दोस्तों, पूरा 180 डिग्री पे ही रिपल हो रहा। इसका क्या मतलब हो गया, इससे दो फैक्ट समझ में आते हैं कि ये जो न्यूक्लियस होता है हर जगह पे नहीं फैला होता। टॉमसन ने गलत कह दिया, टॉमसन मॉडल में कहा गया था कि पॉजिटिव चार्ज हर जगह फैले होते हैं, जबकि ऐसा नहीं था। रदरफोर्ड ने कह दिया कि ये हर जगह फैले नहीं होते, ये एक पर्टिकुलर माइन्यूट जगह में कंसंट्रेटेड होते हैं, एक छोटी सी जगह पर रखे होते हैं, बहुत ही छोटे पार्ट में, तो जिसको हम लोग न्यूक्लियस नाम दे देते हैं, जिसको रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस नाम दे दिया कि ये बहुत छोटे पार्ट में होता है, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता है, हर जगह नहीं फैला होगा, ये एक जगह पे चुपचाप सिकुड़ा पर बैठा होगा, इसको नाम दे दिया न्यूक्लियस। क्या नाम दे दिया इसका, न्यूक्लियस नाम दे दिया इसका। ये बहुत ही छोटे पार्ट में होता है, बेसिकली कहा जा सकता है कि ये इसके सेंटर में होता है। अब जब ये पार्ट पूरा रिपेल कर गया 180 डिग्री पे, तो आपने कूलम्स ला पढ़ा होगा। कूलम्स ला क्या कहते हैं कि जब एक पॉइंट चार्ज इधर होता है और एक पॉइंट चार्ज इधर होता है, तो 180 डिग्री पे अगर कोई क्या कर रहा, रिपेल कर रहा है, तो इसका क्या मतलब होता है, यानी वो वहां पर कितना कह सकते हैं दोस्तों, कूलम्स ला वहां पे वेरीफाई होता है। तो यहां पे जब रिपेल कर रहा है, तो इन्होंने ये भी कह दिया कि इसके लिए, यानी एटॉमिक डिस्टेंसेज के लिए भी, बहुत ही माइनूट डिस्टेंसेज के लिए भी कूलम्स ला वेरीफाई होता है, यानी कूलम्स ला यहां पे अप्लाई किया जा सकता है। और लास्ट जो इन्होंने कंक्लूजन दिया दोस्तों, यानी पांचवा कंक्लूजन जो देते हैं, वो ये देते हैं कि अगर इसमें जो भी हमारे पास न्यूक्लियस है, यानी कि अगर आटम अलग अलग एलिमेंट के होते हैं, यानी डिफरेंट टाइप के आटम होते हैं, कोई गोल्ड का ले लिया जाए, फिर सिल्वर का ले लिया जाए, फिर कोई अलग मेटल का ले लिया जाए, समझ पा रहे हैं आप, अलग अलग अगर मेटल के या अलग अलग एलिमेंट के आटम जो होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें जो न्यूक्लियस जो होता है वो अलग अलग होता है। कहने का क्या मतलब हो गया, अगर हम चार्जेस की बात करें, चार्जेस कितने होते हैं, तो ध्यान से समझिए दोस्तों, डिफरेंट आटम के डिफरेंट चार्जेस होंगे। हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि जो चार्ज इसमें होगा जितने भी कूलाम का, समझिएगा, जितने कूलाम का चार्ज इसमें होगा न्यूक्लियस में गोल्ड फॉइल के लिए, वो सभी में सेम होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रदरफोर्ड ने अपनी बात को साबित भी किया था एक्सपेरिमेंट के जरिए, उन्होंने ये कह दिया था कि इसमें जो चार्ज होगा वो होगा जेड ई के इक्वल में, और ये जेड क्या होता है, जेड होता है डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। अब आपको पता है अगर अलग अलग एलिमेंट लेंगे तो उसके एटॉमिक नंबर अलग होंगे, और अलग अलग एटॉमिक नंबर होने की वजह से जो न्यूक्लियस पे चार्ज होगा वो भी अलग अलग होगा। तो ये था दोस्तों अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट।